गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमसे स्टार्टिंग पूछ लिया गया है व्हाट इज़ लिविंग। सो हम शुरू करते हैं। लिविंग क्या है? ये पांच फीचर्स जो है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है कॉन्शियसनेस। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे करैक्टरिस्टिक फीचर है और ये तीन हमारे हैं डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो हम पढ़ते हैं ग्रोथ। हम अपना पहला फीचर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ किस टाइप से इंक्रीज हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में भी सेल डिवीज़न होता है और यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीज़न होता है। मल्टी सेलुलर जो होते हैं प्लांट्स कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो एक सर्टेन एज तक की ग्रोथ कर पाते हैं। जैसे ह्यूमन एक ना एक टाइम पे तो डेड हो ही जाता है उसकी बॉडी, ठीक है। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है चाइल्ड इफ ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग, पहला एग्जांपल ये है। और दूसरा ये है ट्री इज गेटिंग बिगर, जैसे कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है मल्टी सेलुलर में, वो ग्रो कर रहा है। पेड़ एक छोटे से बड़ा हो रहा है तो वो भी ग्रो कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से डिवाइड होकर न्यू सेल बन जाते हैं, जैसे कि एक सेल है उससे डिवाइड होकर दो न्यू सेल बन जाएंगे, ये होता है यूनिसेलुलर। और इसमें यूनिसेलुलर में ना रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों कह सकते हैं इसे। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करैक्टरिस्टिक फीचर। ग्रोथ के एक्सेप्शंस देखेंगे और रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शंस देखेंगे। ग्रोथ मैंने जैसा कि आपको बताया, ग्रोथ में इंक्रीज इन मास होता है। ग्रोथ हमारा टू टाइप का हो सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग ग्रोथ जिसे हम कहते हैं इंटरनल ग्रोथ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हो जाएगा लिविंग ग्रोथ। जैसे कि एक बॉडी है, एक बच्चा है, वो जब पैदा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ तो होएगा ना, होएगा ही। और एक होता है नॉन लिविंग ग्रोथ जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, जिसका एग्जांपल डस्टिंग एरिया, जैसे कि कहीं पे हमने कचरा फैला दिया एक घर में और उस घर को हम सफाई नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे कचरा डस्टिंग बढ़ते जाएगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो लिविंग है, वो उसका ग्रोथ तो धीरे धीरे होते ही जा रहा है, इसलिए हम उसे लिविंग नहीं कह सकते। इसलिए ये ग्रोथ करैक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग फीचर कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन एक्सेप्शंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू वे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑन इट्स वे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ह्यूमन में, डॉग कैट मतलब एनिमल्स में ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल मतलब जिसमें मियोसिस ना होता हो। एग्जांपल के लिए फंजाई होता है स्पोर फॉर्मेशन थ्रू, ईस्ट हाइड्रा होता है बडिंग के थ्रू, प्लेनेरिया होता है रीजनरेशन, फंजाई होता है फ्रेगमेंटेशन। बहुत से ऑर्गेनिज्म लिविंग होकर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एग्जांपल के लिए म्यूल, स्टराइल वर्कर बीस, इनफर्टाइल हुमेल। और हम देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, मैन का स्पर्म आएगा और वुमेन का एग आएगा, और ये जब फर्टाइल होगा तो न्यू बेबी बोर्न होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे। और ये जो मैंने आपको ग्रोथ का बताया था कि एक्सटर्नल होता है, तो एक्सटर्नल का एग्जांपल ये है कि धीरे धीरे ये कचड़ा फैलता जाएगा तो ये ग्रोथ
लिविंग ग्रोथ नहीं है।